रोधी दिवस भी है। दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया भर में प्रयास जारी हैं, लेकिन सबसे अहम है इसके प्रति जागरूकता। सरकार समय समय पर इसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे संस्थानों में मुफ्त कैंप लगाए जाते हैं। महात्मा गांधी ने भी कुष्ठ रोगियों के इलाज में साबरमती आश्रम में अपना अनमोल योगदान दिया था। 30 जनवरी को देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता है। महात्मा गांधी ने हमेशा पीड़ित और शोषितों के लिए आवाज उठाई। इसी कड़ी में उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए भी आवाज उठाई, इसलिए इस दिन को कुष्ठ रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। खुद महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों के इलाज में साबरमती आश्रम में अपना अनमोल योगदान दिया। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसका बैक्टीरिया मरीज के मस्तिष्क पर असर करता है, जिससे हाथों, पैरों और चेहरे पर खास तौर पर असर पड़ता है। इससे हाथों पैरों की उंगलियां सुन्न होने लगती हैं और फिर काम करना बंद कर देती हैं। अगर इसे अनदेखा किया जाए तो संक्रमित जगह धीरे धीरे गलने लगती है और संक्रमण बाकी हिस्से में फैलने लगता है। इस बीमारी का इलाज संभव है और इसकी दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध हैं। एज अ कंट्री वी हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू नॉट जस्ट रीच द लास्ट माइल बट ऑल्सो टू वर्क टूगेदर टू एलिमिनेट द सोशल स्टिग्मा अटैच विद दिस डिसीज। वी हैव अचीव अवर टारगेट एट द नेशनल लेवल। वी हैव अ लॉन्ग आर्डर्स वे टू गो टू एंश्योर दैट दिस ट्रीचेबल डिसीज इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन अवर कंट्री। दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया भर में प्रयास जारी हैं, लेकिन सबसे अहम है इसके प्रति जागरूकता। सरकार समय समय पर इसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और दूसरी संस्थाओं में मुफ्त कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूकता दी जा सके। जिस तरह से हमने पोलियो पर जीत हासिल की है, उसी तरह दृढ़ संकल्प के साथ इससे भी निजात पाना जरूरी है और साथ ही कुष्ठ रोगियों के प्रति सामाजिक घृणा को खत्म करना। DD News दिल्ली।